साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें जनवरी माह का असेसमेंट कैसे करना है, कब से शुरू करना है और कब तक इसको कंप्लीट कर लेना है। साथियों इसके लिए हमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से सीजी पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो लेफ्ट साइड में तीन लकीर दिखाई देता है उसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें शिक्षक के कार्य में जाना है और शिक्षक के कार्य को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन फिर से आ जाते हैं। इसमें हमें ऊपर से नीचे की ओर जाना है और विद्यार्थी का असेसमेंट करें के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही हम विद्यार्थी के असेसमेंट करें के ऑप्शन को क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है जिसमें कि कक्षा वाइज विद्यार्थियों की संख्या, नाम और उनका संपूर्ण विवरण दिया रहता है। इसके बाद आपको जिस भी कक्षा के बच्चे का असेसमेंट करना है आपको कक्षा वाले ड्रॉप बॉक्स में जाना है, उसे क्लिक करना है। आपको पहली से आठवीं तक की कक्षा का ऑप्शन आ जाएगा। जिस कक्षा के बच्चे का असेसमेंट आपको करना है उसे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं कक्षा पाँच को लेता हूँ, जैसे ही कक्षा पाँच को सेलेक्ट करता हूँ कक्षा पाँचवीं के सारे बच्चों का जानकारी यहाँ आ जाएगा, सारा नाम आ जाएगा। उसके बाद हम माह के ऑप्शन में जाएंगे और माह में देखिए जनवरी पहले से लिखा हुआ है, उसको क्लिक करते हैं तो केवल जनवरी 2021 ही दिखाई देता है। उसके पहले का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अब पिछले असेसमेंट को नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जनवरी माह के असेसमेंट की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद हम जनवरी माह का असेसमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो साथियों हमें ये ध्यान देना है कि समय रहते ही हमें जनवरी माह का असेसमेंट को कर लेना है। साथियों जिस प्रकार से हमने दिसंबर माह में असेसमेंट किया था लगभग वही तरीका इस बार भी है। हमें किसी भी बच्चे के असेसमेंट को करने के लिए उस बच्चे के नाम के आगे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें बच्चे से संबंधित सारी जानकारी रहेगी, जैसे बच्चे का नाम, उसका कक्षा, उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद हिंदी और गणित, इन दो विषयों का ही असेसमेंट हमको करना है पहली से लेकर आठवीं तक में। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली और दूसरी का जो असेसमेंट होगा वह पहली के बच्चों की क्या उपलब्धि होनी चाहिए उस लेवल में पहली और दूसरी दोनों को करेंगे तथा तीसरी के बच्चे की जो उपलब्धि होनी चाहिए वो तीसरी से लेकर आठवीं तक के बच्चों की वही उपलब्धि मान करके असेसमेंट करना है। तो देखिए यहाँ हिंदी है, हिंदी में आपको यहाँ राइट साइड में सुनना बोलना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे चार क्वेश्चन के बाद पढ़ना दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको लिखना दिखाई दे रहा है। मतलब ये अलग अलग उपखंड हैं और सभी में चार चार प्रश्न हैं। इस प्रकार से हिंदी के हर उपखंड में चार चार प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद गणित में भी वही चार चार प्रश्न दिए गए हैं हर उपखंड में। जैसे कि संख्याओं को पहचानने का अलग है, जोड़ने का अलग है, भाग देने का अलग है, घटाने की समझ का अलग है। इसी प्रकार से हर प्रश्न को आपको सावधानी से पढ़ना है और उसके आगे उस बच्चे की क्या स्थिति है, वह कर लेता है कि नहीं कर लेता है, उसके अनुसार हमें हाँ या नहीं में क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि वस्तुओं की सहायता से जोड़ लेता है। यदि बच्चा वस्तुओं की सहायता से जोड़ लेता है तो आपको हाँ में क्लिक कर देना है और यदि नहीं जोड़ पाता है तो आपको नहीं में क्लिक करना है। हमको ये देख लेना है कि हर बार अगर जोड़ लेता है मतलब वो कन्फर्म है, वो भूलता नहीं है उस चीज़ को, तो हमें हाँ करना है, अन्यथा उसे फिलहाल के लिए नहीं कर देना है और अगले माह में उसके प्रोग्रेस के हिसाब से उसका असेसमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम सारा असेसमेंट कर लेंगे अर्थात जितने भी हिंदी और गणित के प्रश्न दिए हुए हैं सबका जवाब हाँ या ना में हम भर लेंगे तो सबसे नीचे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे सेव करें को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव करें को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक लिखा हुआ जाएगा कि सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया और हम जब ओके बटन दबाएंगे उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है कि वापस जाएं पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर से हम उस कक्षा का जो लिस्ट है वहाँ पहुँच जाएंगे और जिस बच्चे का असेसमेंट हो गया रहेगा वह ग्रीन कलर का दिखाई देना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जनवरी माह का असेसमेंट कर लेना है। इस असेसमेंट को करने में यदि आपको कहीं भी कोई तकलीफ होती है, परेशानी आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।